गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ आरती तिवारी, आई एम सब्जेक्ट टीचर ऑफ हिंदी। बेटा हिंदी में हमारा वही टॉपिक है शब्द विचार, जिसके मैंने 3 पॉइंट आपको बता दिए थे। आज अपना लास्ट पॉइंट है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, मींस प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं हम इसको बताएंगे। कि देखिए वाक्य में कुछ परिवर्तन होते हैं, वाक्य को जब हम परिवर्तन करते हैं तो वो परिवर्तन किसके कारण होते हैं, वो परिवर्तन होते हैं वचन कारक लिंग के कारण कुछ परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों के द्वारा क्या होता है, वाक्य का प्रयोग किया जाता है। कोई भी सेंटेंस होता है उसको जब हम चेंज करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या चेंज होता है, उसका लिंग, उसका उसका कारक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेष सब को देखते हुए हम वाक्य को परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं। देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, वाक्यों में प्रयोग करने पर, वाक्यों में प्रयोग, वाक्यों में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों, कुछ प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप परिवर्तन में, कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन, कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, यह परिवर्तन, यह परिवर्तन, यह परिवर्तन लिंग, वचन, लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण, पुरुष आदि के कारण, आदि के कारण, आदि के कारण आता है, आदि के कारण आता है। ठीक, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था, हमने आपको अभी बताया था क्या होता है प्रयोग के आधार पर शब्द भेदों के, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे शब्द भेद की। वाक्यों में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, मीन चेंजमेंट हो जाता है। यह परिवर्तन किसके द्वारा होता है, जैसे मैंने आपको बताया लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण आता है। यह क्या होता है, अपरिवर्तनीय होते हैं, मीन परिवर्तनशील होते हैं, जो वाक्य परिवर्तनशील होते हैं उसमें जो परिवर्तन होता है किसके कारण होता है, वचन और पुरुष के कारण होता है। ठीक, अब देखिए इसके आधार पर शब्दों के भेद, देखिए शब्दों के भेद, शब्द के कितने दो भेद होते हैं, इस प्रकार, इस आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर हमारा एंड सेकंड नंबर, देखिए फर्स्ट नंबर होता है हमारा विकारी शब्द और सेकंड नंबर होता है अविकारी शब्द। फर्स्ट नंबर होता है हमारा जो वो होता है विकारी शब्द, कौन सा होता है बेटा, विकारी शब्द, और सेकंड नंबर हमारा होता है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, विकारी और अविकारी शब्द के डिफिनेशन देखते हैं। ओके, देखिए बेटा विकारी शब्द, विकारी शब्द के डिफिनेशन देखेंगे। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार, और काल के अनुसार, काल के अनुसार, काल के अनुसार
परिवर्तन या विकार आ जाता है, परिवर्तन या विकार आ जाता है, आ जाता है, उसे अविकारी, उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विकारी शब्द कहते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक, देखिए विकारी शब्द क्या होता है, मैंने आपको बताया विकारी शब्द। देखिए, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन या विकार आता है, मीन चेंजमेंट आ जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे जैसे एक सेंटेंस हमने लिया, लड़का पढ़ता है। ठीक, लड़का पढ़ता है। ठीक, अब देखिए फिर लिंग वचन कारक के लिए, लड़का पढ़ता है। ठीक, वचन क्या है? लड़का मीन्स एक, ये हमारा वचन। ठीक, पढ़ रहा है ये काल अनुसार, कि ये काल के अनुसार मीन्स काम कर रहा है, और कारक है इसमें पढ़ता है, मीन्स लड़का काल करता है। ठीक, मीन्स जहाँ पर लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तन होता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। देखिए विकारी शब्द, देखिए विकारी शब्द के भेद, विकारी शब्द के भेद। ठीक, देखिए ये हमारे विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं बेटा? विकारी शब्द के हमारे चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। देखिए इसके चार भेद होते हैं, फर्स्ट हमारा संज्ञा, सेकंड हमारा सर्वनाम, थर्ड नंबर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, और विशेषण। ठीक, संज्ञा में जो कार्य कर रहा सर्वनाम, जैसे मैं, हम, मेरा, क्रिया में जो कार्य किया जाता, विशेषण में जो विशेषता बताते हैं। ठीक, ये हमने बताया। अब चलिए हम देखते हैं अविकारी शब्द की डिफिनेशन। ओके, देखिए अविकारी शब्द क्या है, जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण, किसी भी कारण परिवर्तन या विकार नहीं होता है, के कारण परिवर्तन या विकार नहीं होता है, विकार नहीं होता है, नहीं होता है, होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? अविकारी शब्द कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, कहते। आप देखिए, हम बता रहे हैं अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं। ठीक है, देखिए हेडिंग डालेंगे अविकारी शब्द के भेद, अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द भी हमारे चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा, देखिए फर्स्ट नंबर होता है क्रिया विशेषण, फर्स्ट नंबर होता है हमारा क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है, क्रिया विशेषण। ठीक, सेकंड नंबर देखिए हमारा, सेकंड नंबर है संबंध बोधक, जो किसी के संबंध को क्या करता है बेटा? प्रकट करता है, संबंध को दर्शाता है। थर्ड नंबर होता है हमारा समुच्चय बोधक, मीन समान अर्थ, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। ओके, फोर नंबर हमारा बेटा है, फोर नंबर जो हमारा है वह विस्मयादि बोधक, मीन किसी को देखकर अचानक हर्ष, क्रोध, शोक जो इससे प्रकट होते हैं, वहां पे विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। ठीक,
के विस्मयादि बोधक। ठीक, अब देखिए हमारा मैंने क्या बताया अधिकारी, जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण परिवर्तन या विकार नहीं होता, मीन्स कोई भी परिवर्तन या विकार नहीं होता है उसे हम अधिकारी शब्द कहते हैं। अधिकारी शब्द भी हमारे चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है क्रिया विशेषण, सेकंड होता है हमारा संबंध बोधक, थर्ड होता है समुच्चय बोधक और फोर्थ नंबर होता है विस्मयादि बोधक। आज से आपका शब्द विचार जो टॉपिक है वो कम्प्लीट हुआ। किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझसे वो पूछ सकता है। सो तब तक ले, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।